हाय दोस्तों, वेलकम टू चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन करी और चिकन कोसा, दोनों ही एक ही स्टेप में बनाएंगे दोस्तों। बहुत ही अल्टीमेट बना है, मटन भी फील हो जाएगा दोस्तों। एक बार इस तरह बना के खाइए, बहुत ही अच्छा टेस्ट अल्टीमेट देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा फील छोड़ा है। जो चिकन का होता है एकदम एक एक पीसेस में आपको अलग ही मजा मिलेगा दोस्तों। एक बार फैमिली में बनाइए और खाइए, बहुत 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 ही टेस्टी है दोस्तों। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर है, आप इसे किसी के साथ खा सकते हैं। तो हम इसके लिए लेंगे जीरा, धनिया, सूखी लाल मिर्च 4, हरा मिर्चा 5 से 6, अदरक, लहसुन और टमाटर, और खड़े मसाले में स्टार फूल, दालचीनी, इलायची, लौंग, काला मिर्च लेंगे। हम इसको पीस लेंगे दोस्तों, स्टार को छोड़ के सबको पीस लेंगे और उसे मैरिनेट करके 10 मिनट छोड़ देंगे। हल्दी और नमक मिला के सबको मिला के छोड़ देंगे। देखिए तो आप दालचीनी 3 से 4 पीसेस लीजिए, इलायची 2 पीसेस, लौंग 4 पीसेस, काली मिर्ची आप 10 से 12, और इस तरह से काट लीजिए प्याज को, और अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट बना लीजिए। थोड़ा चीनी हम कलर के लिए यूज करेंगे दोस्तों, कोई भी एक्स्ट्रा कलर ऐड नहीं करेंगे, बस चीनी को थोड़ा सा दे देंगे जब भी स्टेप का स्टार्ट हो जाए उठना, तो बहुत अच्छा कलर देगा दोस्तों ये भी। और हम ऐसा कसेंगे कि सब दोस्तों उसमें बहुत अच्छा कलर भी आया, हमारा थोड़ा अलग है, अलग ही होगा। तो हम प्याज को फ्राई करेंगे पहले, तेज पत्ता ऐड करेंगे और स्टार को भी ऐड कर देंगे। तो फ्राई हम डाउन कर लेंगे दोस्तों, ये देखिए ऐसे ब्राउन कर चलाते रहिए, थोड़ा हाई हाई फ्लेम पे कीजिए, हाई मीडियम करके इसको फ्राई पूरा ब्राउन कर दीजिए। अदरक लहसुन और हरा मिर्चा को पेस्ट को देंगे, इसमें 100 से 150 ग्राम हमने अलग लिया, लहसुन 1 कली लिया, आप थोड़ा इसको बढ़ा सकते हैं लहसुन, और हरा मिर्चा लिया दोस्तों 5 से 6 कली। फिर हम दे देंगे थोड़ा फ्राई करेंगे, फिर हम टमाटर को ऐड, 3 टमाटर जो पीस के रखा था उसे दे देंगे, इसे ही फ्राई करेंगे दोस्तों। जैसे हम बना रहे दोस्तों आप ऐसे ही बनाइए, आपको सेम टू सेम रिजल्ट मिलेगा, सेम टू सेम टेस्ट मिलेगा, जैसे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम होगा दोस्तों। आप एक बार बना के देखिए दोस्तों, आपको कैसा लगा आप शेयर कीजिए, एग्जैक्ट बना के लिए आप ये भी शेयर कीजिए, सेम आएगा दोस्तों। मैं जैसे बना रहा हूँ ऐसे ही बनाएंगे, फ्राई करना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे ये आप 30 से आधा घंटा लगता है, 20 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट लगता है दोस्तों, आपको फ्राई करते रहना होगा। देखिए दोस्तों कलर छोड़ना स्टार्ट है, तो हम चिकन को दे देंगे मैरिनेटेड जो करके रखा था हमने, और अब से चालू है दोस्तों अच्छा से फ्राई करना होगा आपको। अब ढकिए मत दोस्तों, और फ्राई से ही पक जाएगा चिकन, और फ्राई करते रहिए, 30 से आधा घंटा लगेगा दोस्तों जो आराम से। और दूसरा चीज़ है दोस्तों, नीचे लगना नहीं चाहिए आपको, जैसे ही लगे कि नीचे लग रहा है तो आप चलाते रहिए जब तक कि तेल छोड़ना ना स्टार्ट हो जाए, खुद का तेल, फैट, चिकन का फैट, तब तक आपको 2 3 4 मिनट में चलाना होगा। और ढकिए मत दोस्तों, सिर्फ पूरा पीसेस खराब हो जाएंगे, मतलब टुकड़े में बट जाएंगे, तो छोटे टुकड़े हो जाएंगे, तो आराम से लगना भी नहीं चाहिए आपको, चलाते टाइम ध्यान भी देना है, ऐसे चलाइए बस, चलाते रहिए बीच बीच में, नीचे लगना नहीं चाहिए, चिकन का टेस्ट खराब हो जाएगा ऐसे। ऐसे
देखिए दोस्तों, तेल बहुत ही अच्छे तेल छोड़ना स्टार्ट किया अभी। देखिए चलाते रहिए, देखिए तेल जैसे आप मटन खाते हो दोस्तों सेम टेस्ट आने वाला है इसको आपको, तो ऐसे ही पकाइए। ये देखिए धीरे धीरे हम चला रहे हैं दोस्तों, थोड़ा स्किप कर रहे हैं, आप चलाते रहिए। ये देखिए लगभग बन के रेडी है दोस्तों, आप इसे कसा भी खा सकते हैं, लोग खा सकते हैं, थोड़ा और वेट करेंगे। ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा टेस्ट कलर है, अब देखिए आप लगभग बनी है दोस्तों, चिकन का कलर भी चेंज हो गया और सब सारा फैट आ गया है, देखिए लगभग बन गया है दोस्तों। ये कलर देखिए बीस से आधा घंटा लगता है दोस्तों फ्राई करने में, कसने में, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। लगभग रेडी है, हम कोसा उठा लेंगे, आप इसे रोटी ब्रेड के साथ खा सकते हैं, और आपको करी चाहिए तो पानी डाल के थोड़ा 10 मिनट उबालिए दोस्तों, उसके बाद बहुत अच्छा कलर आएगा। हमने दोनों यूज किए, हमने कसा भी उठाया, हम पाव के साथ खाएंगे, बहुत ही अल्टीमेट दोस्तों, मटन भी फील हो दोस्तों इसके साथ। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया, ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा अल्टीमेट कलर दोस्तों, अल्टीमेट भुंजा हुआ है, कसा हुआ है। आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं थोड़ा करी बना के, जैसे हमने और 10 मिनट आपको करी पानी डाल के करी बनाना होगा, ऐसे कलर आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर, आपने कभी नहीं खाया दोस्तों ऐसा, अलग ही हर बाइट में अलग ही मजा आया दोस्तों, एक बार जरूर घर में ट्राई कीजिए, चावल के साथ भी खा सकते हैं, चावल रोटी दोनों। प्लीज प्लीज दोस्तों, अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगा कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए दोस्तों, रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।